नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमा शंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आइए आज हम जानते हैं डुफालैक के बारे में। मित्रों डुफालैक सिरप, डुफालैक का नाम आप सुना होगा, यदि आप नहीं सुने हैं तो जान लीजिए। मित्रों डुफालैक जो होता है ये कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है, यानी कि जब लैट्रिन ठीक से नहीं होती है या फिर जब लैट्रिन टाइट होती है या फिर सूखी सूखी सी जैसी होती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, चाहे अल्टरनेट डे पे जो स्टूल होता है वो पास आउट होता है, तब जो है कि हम डुफालैक यूज करते हैं। मित्रों डुफालैक मेनली जो है लैक्टुलस का काम करता है, यानी कि जो हमारी स्टूल होता है उसको और डाइल्यूट करके यानी कि पतला कर देता है, यानी ढीलापन कर देता है। मित्रों ये है डुफालैक, आप इसको देखिए, ये है डुफालैक। मित्रों बहुत ही अच्छा काम करता है, इसमें जो है कि लैक्टुलोज सोलूशन है। मित्रों ये जो है कि बहुत ही अच्छा काम करता है, आप इसको यूज करके अवश्य देखिए, बहुत ही अच्छा काम करेगा। मित्रों जब लैट्रिन न हो तो उस टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं। मित्रों उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, इसका जो यूज होता है मित्रों मेनली जो है कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है, यानी कि जब लैट्रिन हमारी टाइट होती है या जब नहीं होती है तो उस टाइम यूज करते हैं, जिससे कि डुफालैक बहुत ही अच्छा काम करता है, यानी कि रिलीफ देता है कॉन्स्टिपेशन में। मित्रों इस पर लिखा हुआ है जेंटल स्ट्रेन एंड फ्री मोशन। मित्रों ये जो है कि पीने से आपकी लैट्रिन आसानी से हो जाती है, यानी फ्री मोशन पास करती है। मित्रों ये जो है कि सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म के लिए आप भी इसे यूज कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब आप इसको यूज लंबे समय तक कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन मित्रों मैं आपको बता दूं कि यदि डुफालैक आप यूज कर रहे हैं तो उस टाइम आपकी लैट्रिन यदि ठीक होने लगे, यानी कि जब लैट्रिन ठीक होने लगे तो इसकी क्वांटिटी को घटा लीजिए, यानी कि जितना आप पी रहे हैं उससे आप कम कर लीजिए। उसके बाद भी यदि लैट्रिन ठीक रह रही है तो फिर आप केवल थोड़ा सा पीजिए या फिर बंद भी कर सकते हैं, यानी कि यदि आपका फ्री मोशन हो रहा है यानी कि लैट्रिन ठीक से पास आउट कर रही है तो फिर आप इसको रोक भी सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये कि आप जो है कि इसको अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, यानी कि जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से आप कम और अधिक कर लीजिए, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मित्रों यदि लैट्रिन नहीं होती है उस टाइम आपको 15 से 45 ml तक यूज कर सकते हैं एक बार में। मित्रों इसको शाम के टाइम, रात में लीजिए, फिर सुबह में अच्छी लैट्रिन यानी कि स्टूल पास आउट हो जाएगी। मित्रों डुफालैक जो होता है यदि सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो पहले आप 30 से 40 ml पीजिए एक दो दिन तक, फिर उसके बाद लैट्रिन होने लगे तो आप उसकी मात्रा कम कर लीजिए, यानी कि 15 से 20 ml कर लीजिए। यदि उसके बाद भी लैट्रिन ठीक रह रही है तो फिर आप 5 से 10 ml कर लीजिए। मित्रों ये जो है आप क्वांटिटी अपने अनुसार घटा सकते हैं। उसके बाद मित्रों आती है चाइल्ड की बारी, यानी कि जो चाइल्ड होते हैं उनको कितना यूज करना है ये भी जान लीजिए। मित्रों जो चाइल्ड होते हैं यानी कि 7 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बीच में जिन बच्चों का एज होता है उसमें मित्रों आपको 15 ml यूज करना है, यानी कि जिन बच्चों की उम्र 7 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक या फिर 14 वर्ष तक रहती है उसमें आपको केवल 15 ml यूज करना है। उसके बाद मित्रों आती है बच्चों की उम्र 1 से 6 साल, यानी कि 1 से 6 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनको आप 5 से 10 ml यूज कर सकते हैं। मित्रों 5 ml या फिर 10 ml, इसके बीच में कुछ भी यानी 8 ml भी पिला सकते हैं आवश्यकता अनुसार या फिर वजन के अनुसार, या फिर आवश्यकता अनुसार कहने का मतलब ये कि यदि लैट्रिन ठीक होने लगे तो आप उसको क्वांटिटी में कम कर लीजिए। उसके बाद आता है मित्रों 1 वर्ष से यदि कम का बच्चा है तब फिर क्या करें। मित्रों यदि 1 वर्ष से कम का बच्चा है तो आप उसको 5 ml पिलाइए, यानी कि 5 ml पिलाइए या फिर उससे भी कम पिलाइए। यदि बच्चा लैट्रिन करने लगता है तो फिर आप उसको और भी कम कर लीजिए, आवश्यकता अनुसार पिलाइए, ज़्यादा नहीं पिलाइए, क्योंकि ज़्यादा पिलाएंगे तो फिर आपके बच्चे की लैट्रिन इतनी ढीली होने लगेगी कि आप परेशान हो जाएंगे। तो मित्रों इसलिए इसको मेनली आपको आवश्यकता अनुसार पिलानी है। उसके बाद मित्रों मैं एक और होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ। मित्रों
होम्योपैथिक में ये दवा देखिए होमोरिड आती है मित्रों, नज़दीक से देख लीजिए होमोरिड। मित्रों होमोरिड दवा भी बहुत ही अच्छा काम करती है, इसको भी इसी अनुसार आप ले सकते हैं, यानी कि आवश्यकता अनुसार। मित्रों यदि बड़े लोग हैं, खूनी या वादी बवासीर है, पखाने के मुहाने पे दाने या सूजन हो, फिस्टूला हो, भगंदर हो, लैटिन टाइट हो रही हो, सूखी हो रही हो, उस टाइम मित्रों इसको यूज करना है। आप एक चम्मच दवा दिन में दो बार, यानी कि 5 से 10 ml आप इसको आसानी से ले सकते हैं। 10 ml मित्रों सुबह शाम ले सकते हैं, लेकिन इसको भी आवश्यकता अनुसार, यदि लैटिन ठीक होने लगे तो आप इसको भी आवश्यकता अनुसार बंद कर सकते हैं। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसको देखिए और उसके बाद भी मेरी अगली वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। उसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कर लीजिए, उसके साथ साथ मित्रों सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको आसानी से मिल सके। तो फिर मित्रों जय हिंद, धन्यवाद, फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।